रिहैब सेंटर्स के साथ मिलकर के और प्रशासन का सहयोग लेकर के हम अगला एक साल जो है 100 ड्रग्स फ्री हरियाणा का संकल्प लेकर के चलेगी। इस हरियाणा में इस नशे के मुद्दे से बात करने का संकल्प, इसके लिए भी हमने 5 अगस्त को वहां दुष्यंत जी अहवान करेंगे, उनकी भाषा में वहां पर। और आपके यहां पर तो यमुनानगर तो जो है आप किसी से छूटा नहीं है, ये सारे लोग आज जो है ना माइनिंग माफिया बन चुके हैं और किसी का नाम है कोई मिनिस्टर हो। और हैरानी तब होती है पक्ष पक्ष के लोग नहीं विपक्ष के लोग हैं इन माइनिंग माफिया के साथ, और बड़े लोगों का पेट में दर्द होता है यहां पर जब भी माइनिंग की कोई बात करे। और मैं मानता हूं सिर्फ जेजेपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां माइनिंग के खिलाफ आवाज उठती है। आप कांग्रेस में चले जाओ तो कोई माइनिंग के खिलाफ बोलेगा तो उसका हाथ पकड़ेगा कि नहीं ये बात ना करो, और कोई बात नहीं। बीजेपी में चले जाओ तो माइनिंग के खिलाफ, माइनिंग की जो लूट मची है और अरबों खरबों के जो घोटाले माइनिंग के नाम पर यहां पर हो रहे हैं, ये भी हम आपको वादा देते हैं कि जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी इस माइनिंग माफिया को भी हम मूल जड़ से उखाड़ने के लिए काम करेंगे। इसलिए साथियों बातें तो बहुत सी हो मगर समय कम और आप लोग भी बहुत लंबा